और पेन दिख सकती है आपको. लेकिन अब यूएस मार्केट्स को कैसे आप ग्लोबल फ्रंट पे भी थोड़ी सी अपने व्यू शेयर करें. डॉलर इंडेक्स के भी आपने बात की थी कि वहां पर भी तेजी दिखती है, आप 104 के ऊपर हैं, फिर से बॉन्ड यील्ड ऊपर स्पाइक हुई है. यूएस मार्केट्स को कमोडिटीज की रैली, ये सब कैसे दिखती है? देखिए, एक तो क्या है कि डॉलर इंडेक्स इस बार अगर ये चित्कार मचता है बाजार में, तो डॉलर इंडेक्स का इसमें काफी बड़ा रोल रहना चाहिए. तो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का भी जो बॉटम है सिक्योर्ड है, 110 के भी ऊपर हम निकल गए तो फिर तो कुछ भी ये मचा सकता है. तो ऐसे में जो ये जो देशभक्ति पे प्रश्न उठाने वाली राजनीति होती है ना कि रुपया न्यूनतम लो पे चला गया, तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ, यूरो की चार्ट खोल के देखिएगा. जिनको लगता है कि हमारा देश बर्बाद हो गया रुपया कमजोर होने पे, आप लोग यूरो शॉर्ट कर दीजिए, रुपया उसके सामने बढ़ेगा भले ही डॉलर के सामने रुपया घटे. तो ये हो गया करेंसी का एक ट्रेड. और ग्लोबल मार्केट्स में भी देखिए, जो वॉलेटिलिटी रिजीम, एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी रिजीम में हमने 1.5 साल मजे ले लिए. अब ये वर्ल्ड वाइड मेरे को लगता है भयंकर वॉलेटिलिटी शूटआउट का एक भय बना हुआ है. मुझे वो अगले सप्ताह आपसे जब तक मुलाकात होगी तब तक वो कंफर्मेशन हो जाना चाहिए. 10-10.5 तक की विक्स इंडिया में भी थी, आज 14.5-15 तक आ गई. 17.5 के ऊपर जाते के साथ अलग गेम हो जाएगा. तो S&P VIX is also ready for an explosion. Let us see if that comes. Otherwise, NASDAQ, S&P, DAX, FTSE, ये चारों ने सिर्फ एक रैली बनाई है और 2.5 महीने पहले का जो लो था वो टूटेगा इनमें. हो सकता है वो टूटने की चाल अब शुरू हो गई, वरना 1-2 दिन का और खेल तमाशा होने के बाद वो शुरू होना चाहिए. तो ग्लोबल इंडिसेस से भी कोई मुझे भय नहीं लगता अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में मंदी का रुख बना के चले. दे माइट नॉट बी एबल टू कमेंट चैलेंजेस. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आज हमसे बात करने के लिए. अपना ध्यान रखिए, आपसे अगले हफ्ते जरूर मुलाकात होगी इन सारे ट्रेड्स और अपडेट्स के साथ. सुशील केडिया.